हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल ऋषभ। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू 4BHK हाउस विच इज़ इन पनाश वैली देहरादून। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं पनाश वैली के लिए, एंड आज लेके आ गए आपके लिए पनाश वैली में। देर आर कपल ऑफ प्लॉट्स ऑल्सो, एंड तीन विला भी हैं मेरे पास। उनमें से एक विला मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, जिसका टूर मिलने वाला है आपको आज। पनाश वैली में ये सारे व्यूज़ कॉमन है काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं। पनाश वैली सहजारा रोड के काफ़ी करीब पड़ता है। इफ़ यू नो सहजारा रोड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट यू नो गुड कनेक्टिविटी वाली रोड्स हैं देहरादून में। सो 40 फीट वाइड रोड है, कहीं से कहीं जाना हो सिटी में सहजारा रोड आराम से पहुँच सकते हो वहीं से। सो बिफोर स्टार्टिंग, क्विक आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ घर के। अदर देन दैट, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखे होंगे स्पेसिफिकेशंस, वो भी देख सकते हैं आप। साउथ फेसिंग घर है, पहले ही बता देता हूँ आपको, पहले ही क्लियर हो जाता है। साउथ फेसिंग घर मिल जाएगा, 180 स्क्वायर यार्ड यानी कि 180 गज में बना हुआ घर है। वेरी ओपन, 180 पे मत जाना, लगेगा अंदर जब घुस जाओगे घर के अंदर तो लगेगा 200 गज से ऊपर का घर है, बट 180 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। इसका जो डायमेंशन रहेगा 26x62 का रहेगा, 26 इसका विथ हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगी 62 की। एंड अगर कारपेट एरिया की बात करूं अंदर, तो अराउंड 3200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा पूरे घर का, ठीक है। दो स्टोरीज है तो 3200 स्क्वायर फीट है, विच इज मोर देन इनफ फॉर मेनी पीपल। तो लेट्स स्टार्ट, है ना, टूर फटाफट बिगिन करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं। बाय द वे, पनाश वैली इज MDT अप्रूव्ड सोसाइटी। तो जो MDT अप्रूव सोसाइटी में जो नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं वो हो रखे हैं इसमें, यानी कि 30 फीट वाइड रोड्स होनी चाहिए, वाटर टैंक्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पूरे कॉलोनी में होनी चाहिए, एंड कटआउट जो लेआउट कॉलोनी का होता है वो होना चाहिए, साथ में पार्क्स होने चाहिए अंदर। ये सब चीज़ें पनाश वैली में ऑलरेडी हैं। तो इट्स एन MDT अप्रूव सोसाइटी, लेट्स स्टार्ट द टूर ऑफ द हाउस। सो दिस इज़ द फ्रंट फसाद ऑफ द हाउस। पहले बताता हूँ, दिस वन इज़ सोल्ड आउट, दिस वन इज़ अवेलेबल, एंड दीज टू आर अवेलेबल। लेआउट विल बी द सेम, MDT अप्रूव्ड सोसाइटी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज़ द 30 फुट वाइड रोड, एंड लेट्स स्टार्ट द टूर। सो दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द हाउस, दिस इज़ द पार्किंग। एज यू कैन सी, पार्किंग यू कैन ईजिली पार्क एन SUV एंड टू व्हीलर्स इधर, एंड इधर भी आपको स्पेस मिल जाएगा अगर आपको गार्डनिंग करनी है या और टू व्हीलर्स पार्क करनी है, इनफ स्पेस हेयर टू डू दैट। MCV वो मिल जाती है घर की, एंड जो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है घर में, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, वो है ये ओपननेस। सोफ़ा सेट आ जाता है यहाँ पे, बाय द वे मिलेगा, जो दिखेगा आपको यहाँ पे वो मिलेगा साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मिलेंगी आपको साथ में, यह मिल जाएगा आपको साथ में, ये बैग नहीं मिलेगा, बैग मेरा है। एंड ये आपको सोफ़ा सेट पे मिल जाता है, इधर सिटिंग एरिया क्वाइट डिसेंट बाय द वे, ठीक है। 7-8 सीटर सोफ़ा सेट लगाइए इधर अपना, एंड अपना डाइनिंग इधर लगा सकते हैं, एंड TV वॉल आपका चाहे तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। आपने ना कुछ घर देखे होंगे, जैसे कि सीन सम हाउसेज, जिसमें जो लेआउट होता है वो आगे से खुला होता है, नीचे पीछे दो रूम होते हैं, वैसा ही है इधर। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, इफ़ यू हैव 200 गज या 250 गज से नीचे की जगह है ना अगर, तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट कंस्ट्रक्ट इन टर्म्स ऑफ लेआउट ऑफ द हाउस, ठीक है। क्योंकि आपको आगे बहुत ओपन एरिया मिल जाता है, एज यू कैन सी वेरी ओपन, मतलब ये जो एरिया है ना ये 20-25 फुट से ज़्यादा का एरिया है, 25 फुट तो होगा ये, वेरी ओपन। सो यहाँ पे आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे कुछ, यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ बार सेटअप के लिए थोड़ा मुझे लग रहा है इट्स अ गुड स्पेस बार सेटअप करने के लिए, बट डिपेंड्स ऑन यू कैसे यूज़ करना है आपको ये। एंड TV वॉल इधर और इधर कहीं भी जा सकता है। दिस इज़ द किचन, ठीक है, दिस इज़ द किचन, क्वाइट डिसेंट, इनफ स्पेस है, बीच में इनफ जगह है। कई किचन में ना नैरो होती है कुछ किचन, तो यहाँ बीच में जगह नहीं रहती, ठीक है। तो इट्स क्वाइट इनफ, 2 से 3 लोग साथ में खड़ा होकर काम कर सकते हैं इधर। यहाँ पर आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं इधर, एंड अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा आपको सर, चिमनी के लिए भी ये जगह मिल जाएगी आपको, एंड योर माइक्रोवेव के लिए यहाँ पे आपको आपके आउटलेट्स मिल जाएंगे बाहर वेंटिलेशन, एंड आपको लाइट के लिए यहाँ पे 2 विंडोज़ मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं, सॉफ्ट डोर क्लोजिंग मिल जाएगी आपको, सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं सारे, आपको सिंक्स यहाँ मिल जाएंगे, एंड ऑल इन ऑल इट्स अ डिसेंट इनफ किचन विद, यहाँ पे आपको भी मिल जाता है फॉल्स लाइटिंग का सिस्टम भी मिल जाता है, ठीक है। एंड ओपननेस बहुत है घर में यार, वेंटिलेशन एंड ओपननेस बहुत है, क्योंकि वहाँ से भी खुला है एंड यहाँ से भी खुला है। साउथ फेसिंग घर है तो भाई लाइट वाइट की कोई इशू नहीं है, सनलाइट इनफ आ जाएगी,
बेडरूम सिखाते थे आपको फटाफट। दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर में आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं, दो बेडरूम आपको ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम रहेगा, अटैच्ड वॉशरूम रहेगा, क्लोजेट स्पेस ये रहेगा, डिसेंट साइज है, वेरी वेरी डिसेंट साइज बेडरूम्स, 12x14 के बेडरूम्स हैं। पहले ही बता देता हूँ, दिस इज़ दी वॉशरूम दैट यू विल गेट, ठीक है। छोटा नहीं है, मतलब एवरेज साइज मान सकते हो वॉशरूम को आप, नॉट टू बैड। आपको यहाँ से पीछे आपको यूटिलिटी और एक यूटिलिटी एरिया वो रहा, साथ में आपको कुछ यू नो किसी भी चीज़ के लिए एक्टिविटी, कपड़े सुखाने या कुछ करना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है। एंड अगेन आपका दूसरे बेडरूम से कनेक्टेड है, पर मैं आगे से ही लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज़ दी सेकेंड बेडरूम, ठीक है। ये भी 12x14 का ही है, सेम लेआउट इसमें मिल जाएगा, बट इसमें जो वॉशरूम है आपको आगे नहीं मिलता, आपको वॉशरूम मिलेगा इधर। क्यों? क्योंकि ये मास्टर बेडरूम के जैसा है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा क्लोजेट मिल जाएगा वॉक इन, या आपको पूरा जो सामान डालना है डालिए, यहाँ पे एक ड्रॉअर भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा इधर आपको, एंड आपको यहाँ अंदर जाके एक वॉशरूम मिल जाएगा, विच इज़ लाइक छोटा तो नहीं है बट इससे बड़ा हो सकता था, ठीक है, दैट्स क्वाइट गुड इनफ। पर ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ पे इतना स्पेस आपको आपके वार्डरोब के लिए मिल जाएगा। वॉशरूम में करोगे क्या आप? एक बंदा ने एक बार में नहाने जाता है तो कितना बड़ा वॉशरूम चाहिए आपको? बट दिस इज़ यू नीड दिस बिकॉज सामान बहुत होता है लोगों के पास ना, स्पेशली कपल्स एंड यू नो विमेन जो होती हैं घर की, उनके पास बहुत सारा सामान होता है डालने के लिए, तो उनके लिए दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पे बेडरूम का साइज़ भी क्वाइट डिसेंट, 12x14 साइज, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। बाय द वे लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है अभी, तो उस वजह से आपको लाइटिंग थोड़ी कम लग रही होगी, बट इट्स क्वाइट इनाफ। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलता हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो को करना नहीं है ज़्यादा लंबा, घर तो आपने सबने देखे भी हैं। सो दिस इज़ दी फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, ये भी मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं मतलब इतना ओपन लग रहा है घर, आप खुद देखो और आपको पता चलेगा कि ओपन क्यों लग रहा है घर, क्योंकि ना लाइटिंग हर जगह से आ रही है नेचुरल, इस वजह से काफ़ी ओपन लगता है। आप यहाँ पे भी आप सेपरेट सिटिंग एरिया बना सकते हैं अपना, एंड इफ़ यू वांट यू कैन मेक दिस होल थिंग अ ऑफिस एरिया, क्लोज दिस ऑफ, नकली एक वॉल आती है वो लगाइए, ऑफिस एरिया बनाइए, वहाँ आपको विंडो भी मिल जाएगी, एंड यहाँ आप अपना लिविंग बना दीजिए, मतलब आपके ऊपर है हाउ डू वांट टू मेक दिस अप, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे एक स्टोर भी मिलता है, बाय द वे स्टोर दिखाता हूँ, छोटा सा स्टोर मिल जाएगा 6x6 का, ठीक है, नॉट मच टू शो, 6x6 का स्टोर है यहाँ पे, एंड आपको यहाँ अपना बालकनी भी मिल जाती है, काफ़ी ह्यूज बालकनी मिलेगी, एंड देखिए दिस इज द बालकनी, यहाँ पे एक और यूटिलिटी एरिया मिलेगा बाय द वे आपको। ऑलराइट, आई मीन लुक एट द फील ऑफ द हाउस, इट्स क्वाइट ओपन, वेरी वेंटिलेटेड। यहाँ पे एक और MC भी मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए, दिस इज़ ऑल्सो गुड एरिया। यहाँ पे आपको सेम दो बेडरूम्स मिलेंगे, 12x14, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 विद वार्डरोब्स, TV wall, a balcony there, some cloudy views there, and again here is the washroom. Same layout, jaisa niche hai, tiles different hai bas, theek hai? Got it. Ab aage badhte hain, aapko second bedroom dikha deta hu main. This is the second bedroom, 12x14 size, TV wall aapka ye hai, thode aapko cloudy yahan mil jate hain, dusra ghar adjacent mein to waisa hai, but this is again. एंड यहाँ पे आपको क्या मिलता है दूसरे बेडरूम में, अगेन अ वॉक इन क्लोजेट, एम्पल एंड एम्पल स्टोरेज, दिस इज़ द बेस्ट बेडरूम इन दी हाउस, ओके, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस, दिस इज़ द वॉक इन क्लोजेट दैट यू गेट, एंड दिस इज़ द वॉशरूम दैट यू गेट, दिस इज़ द बिगेस्ट वॉशरूम इन दी हाउस ऑल्सो। सो एज यू कैन सी क्वाइट गुड, डार्कर टाइल्स का यूज़ किया गया है, बट आई लाइक द थीम, एंड दिस इज़ अगेन द ड्रॉअर्स एंड द क्लोजेट स्पेस, ठीक है, परफेक्ट, गुड इनफ। देखिए लाइटिंग सारी बंद है ऊपर, मतलब ये थर्की चल रही है, बट मेजरली जो आ रही है ये आपको बाहर की नेचुरल लाइट मिल रही है, जो पूरा यहाँ पे आपको लाइटिंग दे रही है। दिस इज़ अ वेरी ओपन स्पेस है, एज यू कैन सी, वेरी ओपन, वेरी वेंटिलेटेड हाउस, आई लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज़ दी फर्स्ट फ्लोर, यू हैव सीन दी फर्स्ट फ्लोर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेरिस पे, क्योंकि टेरिस दिखाना भी ज़रूरी है, और वहाँ पे आपको मैं कंक्लूजन दे दूंगा वीडियो का। दिस इज़ दी टेरिस, पनाश वैली में है इस टाइम, आप पनाश वैली में ये व्यूज़ मिलेंगे आपको कुछ ऐसे, एज यू कैन सी थोड़ा क्लाउडी मौसम है, मानसून आने ही वाला है, बस आ ही गया समझिए, दिस इज़ दी सिचुएशन राइट नाउ, ब्यूटिफुल राइट।
ये वाला सोल्ड आउट है बाय द वे, ये मिलेगा आपको, एंड इसके साथ में दो और हैं सेम लेआउट रहेगा, वो भी मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, फटाफट मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया है। जो डिटेल्स रहेंगी वो रहेंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं। प्राइस क्या है, प्राइस अगर पूछते हैं तो 2.10 CR इज़ दी आस्किंग प्राइस फॉर दिस, विच इज़ ऑफकोर्स नेगोशिएबल, बट दैट इज़ दी आस्किंग प्राइस दैट यू गेट। 3200 स्क्वायर फीट का आपको क्या मिलेगा, कारपेट एरिया मिल जाएगा, एंड साउथ फेसिंग घर है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, साउथ फेसिंग घर है लेकिन ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड, सनलाइट की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, एंड पार्किंग की कोई कमी नहीं है, MDD अप टू सोसाइटी में है, आप गेटेड सोसाइटी है, कहाँ है, सहजारा रोड पे है, पनाश वैली इज दी सोसाइटी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ इन देहरादून, वन ऑफ द बेस्ट, ऑलराइट, नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज इट हैज़ सच व्यूज़ एंड गेटेड सोसाइटी इन एवरी थिंग दैट यू नो गेट इन अ MDD अप्रूव सोसाइटी बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स। सो अगेन 2.10 इज़ द आस्किंग प्राइस, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड माई नंबर विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गिव मी अ कॉल एंड वील हेल्प यू गेट द बेस्ट डील। Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye-bye.